पूर्णिया जिले में स्थित ग्राम सटवा एक आदर्श ग्राम पंचायत के पुरस्कार के लिए अग्रसर हो रहा है। इस ग्राम पंचायत के सरपंच विनोद टकीराम पारदी एवं सदस्यों के अथक प्रयास से इस गांव का नक्शा बदल चुका है। 2017 में निर्वाचित सरपंच पद पर टीकाराम पारदी एवं सदस्यों ने सिंचन के लिए तालाब का गहरीकरण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप पहले यहाँ 30 से 35 एकड़ में खेती होती थी, अभी यहाँ लगभग 300 एकड़ में खेती हो रही है। महिलाओं को एकत्रित करके बहुत सारे बचत गट बकरी पालन गृह उद्योग शुरू करवाए, जिससे इस गांव की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। स्कूलों को डिजिटल करवाया है। यहां पर इन्होंने गांव के युवाओं को एकत्रित करके बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया, जिससे इस गांव की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस ग्राम पंचायत को पिछले 4 वर्षों में संत गाड़गे बाबा स्वच्छता अभियान पुरस्कार एवं RR पाटिल माझा गांव स्वच्छ और सुंदर पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिल चुका है। आज यह ग्राम पंचायत अनेकों ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। नमस्कार, मैं विनोद पारदी, सरपंच ग्राम पंचायत सटवा। तुझ्या गावात नाही का तीर्थ, बाबा रिकामा कशाला फिरत, अशा महापुरुषांच्या वाणीला साक्षात्कार करून मी 11/12/2017 सटवा या गावात सरपंच या पदावर पदभार सांभाळला। पदभार सांभाळताना खूप काही समस्या होत्या, ज्यात शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तसेच कृषी विषयक अनेक समस्या या गावापुढे होत्या। पदभार सांभाळल्यानंतर गावाचा जलस्तर कसा वाढवता येईल या दृष्टिकोनातून गावातील मुख्य तलाव याला विविध शासकीय योजनांच्या अंतर्गत सर्वात अगोदर खोलीकरण करून त्याचा निस्तार कसा वाढवता येईल, ज्या अंतर्गत या गावात फक्त 30 ते 35 एकर शेती धान लागवडीसाठी रब्बी हंगामात व्हायची। आज पाण्याचा स्तर वाढल्यामुळे गावातील हातपंप असोत, बोरवेल असोत किंवा इतर सुखसुविधाकरिता आज या गावातील एकूण। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।